मैं सूर्य प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल चित्र क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर ले चलूँगा। मैंने आपको एक बात बताया था कि कभी भी आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ें तो पहले एक बार आप सरसरी निगाह से साधारण ब्याज जरूर देख लें। साधारण ब्याज पढ़े रहेंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगाने में आसानी होगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि साधारण ब्याज में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी शब्द थे वो एज इट इज़ चक्रवृद्धि ब्याज में भी प्रयोग किए जाएंगे, मतलब वही प्रिंसिपल, वही मिश्रधन, वही अमाउंट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही ब्याज और वही समय। अंतर जो थोड़ा सा होगा वो अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। एक और मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ इसमें कि बहुत लोगों का ये आया कि सर जब आपके ये वीडियो कई पार्ट में बढ़ जा रहे हैं तो आप एक ही साथ एक ही जगह फार्मूला न रखें, जिस वीडियो में आप जिसके बारे में बात करें सिर्फ उन्हीं फार्मूलाओं को आप लेकर के चलें। तो चलिए एक आप लोग के हिसाब से भी मैं कर लेता हूँ। तो फटाफट कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए क्योंकि आज पहले वीडियो में मैं आपको प्रारंभिक बातें बताऊँगा। और हाँ, फिर वही बात कि आपको इसको लिए लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज से यह ब्याज थोड़ा सा अलग होता है। साधारण ब्याज दिया जाने वाला वार्षिक ब्याज होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज हम देते हैं। अगर इसकी एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष का साधारण ब्याज दोनों ही बराबर होते हैं। एक वर्ष का दोनों बराबर होगा। एक वर्ष अर्थात CI इक्वल टू SI। तो अगर आप एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आप CI के फार्मूले पे ना जाके अगर SI के फार्मूले पे भी चले जाएंगे तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। कुल मिलाकर बात कहने का मेरा ये था कि आप इससे भी काम चला सकते हैं। बात आती है जब दो वर्ष, तीन वर्ष या उसके आगे की वर्षों की, तब हमें चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूलों को टच करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं जो इसका पहला फार्मूला होता है, CI बराबर अगर बात करें तो P 1 प्लस R अपान 100 के पावर N माइनस 1। अगर दूसरे फार्मूले की हम बात करें, A मिश्रधन बराबर P 1 प्लस R अपान 100 के पावर N। यहाँ N बराबर समय है, टाइम है, वर्ष है, R रेट है, P प्रिंसिपल है और A अमाउंट है। और अगर हम एक और CI बराबर बात करें तो A माइनस P होता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर सबसे अच्छा फार्मूला कौन सा है, तो इसमें बच्चे कभी कभी कन्फ्यूजन कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अगर मेरी बात माने तो इस फार्मूले का प्रयोग करें और सीधे आप मिश्रधन निकालें। अगर सवाल में मिश्रधन पूछा है तो सीधे आ गया, और अगर बाय द वे अगर उसमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो करना क्या है, आप फटाक से ना मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे और आपको CI प्राप्त हो जाएगा, यानी इसको आप टच कर लेंगे। कभी कभी आपको देता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर छमाही दी जाए, तिमाही दी जाए, चौमाही दी जाए। तो तिमाही देने का मतलब, चौमाही देने का अर्थ, छमाही देने का अर्थ, तो देखिए आप तो जानते ही हैं। आइए हम उस पर बात कर लेते हैं।
अगर छमाही हो, तिमाही हो या चौमाही हो, तो आपका जो फर्क पड़ेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय पर पड़ेगा। छमाही, एक वर्ष में छमाही कितने होते हैं? कुल दो होते हैं, छमाही मतलब छः महीना, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टू हो जाएगा और समय आपका एन गुणे टू हो जाएगा। तिमाही की बात करते हैं तीन महीना पर, तो वर्ष में तिमाही कितने होते हैं? तीन चौके बारह, चार होते हैं, तो आर अपान फोर हो जाएगा और एन गुणे फोर हो जाएगा। चौमाही की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार महीने पे होगा, तो एक वर्ष में चौमाही तीन होता है, तो आर अपान थ्री हो जाएगा और यहाँ एन इंटू थ्री हो जाएगा बस। और आपका जो बेस फार्मूला है ए बराबर पी वन प्लस आर अपान सौ बटा में पावर एन। अगर छमाही है तो यहाँ पर इंटू टू होगा और यहाँ पर इंटू टू होगा, अगर चौमाही है तो यहाँ पर चार होगा और यहाँ पर चार होगा, अगर चौमाही है तो फिर यहाँ पर आप तीन कर देंगे और यहाँ पर भी आप तीन कर देंगे। ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज के पहले सिंपल साधारण सवाल के ये पढ़ने वाले छोटे से बेस फार्मूला की। आइए मैं एक सवाल ले लेता हूँ, एक छोटा सी सवाल लूँगा। अगर मूलधन 5000 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पी कितना है? 5000, और रेट कितना है? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, और समय कितना है? एक वर्ष। आप इसे जनरल लगा देंगे, मैंने बोला है कि जब वो समय एक वर्ष दिया हो तो आप साधारण ब्याज से भी लगाएंगे तो भी आपका उत्तर वही आएगा जितना कि चक्रवृद्धि ब्याज के लगाने से होगा। आइए देख लेते हैं। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो SI बराबर होता है PRT अपान 100। आपने देखा SI का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए SI को पहले पढ़ें। रख दीजिए 5000 गुणे आर 10 समय 1 बटा 100, 0000 हो गया, ये हो गया 500 रुपये, ये हो गया आपका साधारण ब्याज। आइए CI की बात करें, CI आपका हो गया P 5000 1 प्लस आर 10% बटा में 100 पावर 1, एक वर्ष है ना, ठीक, 0 से 0 हो गया, 10 एकम 10 और 1 11 बटा 10, 5000 गुणे 11 बटा 10, 0 से 0 कट गया और ये कितना आ गया 11 शून्य शून्य 11 पचे 55, 5500 रुपये। ये CI नहीं है, ये मिश्रधन है, तो CI कितना हुआ? मूलधन उसमें से घटा दीजिए तो आपके आ जाएंगे 5500 माइनस 5000 इक्वल टू 500 रुपये, यानी CI भी आपका देखिए आ गया 500 रुपये। मैंने आपसे बोला था एक वर्ष की जब भी बात करेगा तो CI और SI आपस में बराबर होंगे, तो क्यों हम फिर मेहनत करने जाएं इस पे? हम मेहनत करें ना इस पे, आपका समय भी बचेगा और सवाल भी इजी वे में लगेगा, नो कन्फ्यूजन, सीधे आंसर। आइए हम बात करते हैं अब दो वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की। समय है यहां पर दो वर्ष। अब अगर आप साधारण ब्याज पर निकालते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, दो स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। उसके लिए आपको भाई चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाना होगा, अप्लाई कर दीजिए ए बराबर पी वन प्लस आर अपान 100 के पावर एन, एन है आपका वर्ष, तो रख दीजिए
ए बराबर कितना हो गया 5000, 1 प्लस 10 अपान 100 की पावर 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 एकम 10 और एक 11/10, यानी हम कह सकते हैं 5000 गुणे 11/10 गुणे पावर 2 है 11/10, 1212, 11 121 होता है, 50 गुणे 121 जीरो हो गया, 5 एकम 5, 5 दुना 10 को 0, 1 5 एकम 5 और 1 6, फिर देख लीजिए 0 5 एकम 5 और 12 5 60, 6050 रुपये। तो फिर CI कितना हो जाएगा, आप इसमें से लेस कर दीजिए 5000 रुपये, 0 5 0 1, 1050 रुपये आपके CI हो गए 2 वर्षों के। अब अगर आपसे कहे यही कि 5000 मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 छमाही का साधारण ब्याज कितना होगा अगर ब्याज छमाही में कैलकुलेट किए जाएं तो ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 का भाग होगा क्योंकि 1 वर्ष में छमाही 2 पड़ते हैं और समय में आपका 2 का गुणा होगा और रेट में आपका 2 का भाग होगा। तो आइए कर लेते हैं फिर बेस फार्मूला पे, पी 5000 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपान 2 गुणे 100 के पावर 2 छमाही का पूछा है, यानी 1 वर्ष में 2 छमाही पड़ते हैं, 2 छमाही के बारे में बात किया है, उसके पावर 2 कर दीजिए। आइए 0 से 0 हो गया, ये हो गया 20, 20 एकम 20 और एक 21/20, तो बस 5000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 1111, आप क्या हो गया 21 के 21 का वर्क करेंगे 441 होगा इंटू 50/4। आइए भाग दे गुणा कर लेते, पहले 0 5 एकम 5, 5 चौके 20 को 0 2, 5 चौके 20 2, 22/4, 4 5 20 2 हुआ, 0 उतरा, 4 5 20 5 उतरा, 4 एकम 4 1, 0 उतरा 10 हुआ, 4 दुना 8 2 बचा, 10 नौ 4 5 20, यानी 5512 रुपये 50 पैसा आपका मिश्रधन हुआ। तो फिर CI कितना हुआ, तो बस CI हुआ 5512 रुपया 50 पैसा में से आप 5000 रुपये घटा दीजिए, तो ये हो गया 50 पैसा, ये हो गया 12, ये हो गया 5, ये हो गया 512 रुपये 50 पैसे आपके छमाही ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चार्ज किए जाएंगे। इसी तरह से आप तिमाही और चौमाही का भी लगाएंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपसे आगे जब समय भिन्न के रूप में दिया हो तब हम कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपको आगे फिर से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।